जैसे गोदरेज का आपने नाम लिया, तो गोदरेज में अभी गोदरेज इंडस्ट्रीज के भी रिजल्ट आए और कुछ अच्छे आंकड़े नहीं दिख रहे हैं, और उनका वो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह सब चल रहा है, तो ऐसे में इन्वेस्टर बड़े कंफ्यूज होंगे। आप क्या कर रहे हैं इस समय इस ग्रुप में? गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात करें या गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए पूछ रहे हैं? अब पूरे ग्रुप को लेकर के ही, मतलब चूंकि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, बंटवारे होने हैं, तो उसमें थोड़ा हाँ, इन्वेस्टर कंफ्यूज कंफ्यूजन हो तो जाते हैं रहता कि अच्छा क्या होने है। वाला है इसमें आगे। और बंटवारा ऐसा है ना, मैंने देखा हुआ है लाइफ में, है बंटवारे हो भी जाते तो भी पूरे ठीक नहीं होते, फिर वो कोर्ट में जाते हैं, ये जाते हैं। आज हमने देखा कई कॉर्पोरेट्स हैं, तो इट्स नॉट जी दैट इजी टू प्रेडिक्ट दो। बट मुझे लगता है ये लोग काफी ऑर्गेनाइज और काफी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी और फैमिली है, तो चीजें तो निकल के आएगी सामने, बट स्टिल यू नेवर नो। सो नंबर्स के मेरिट पे स्टॉक को लीजिए। हमने नंबर्स के मेरिट पे फिनोलेक्स में काफी लोगों को रेकमेंड किया था, भले वो छाबड़िया फैमिली में इश्यूज चल रहे थे उस टाइम पे, बट अगर नंबर्स अच्छे होते हैं और मैनेजमेंट देखिए, टॉप मैनेजमेंट भले ही ओनर्स और प्रमोटर्स का जो चल रहा है, बट अगर आपकी टीम और कंपनी चल रही है और बढ़िया से काम कर रही है, तो आगे पीछे तो देखिए उनका भी काम सेटल होना ही है। और यहाँ पे भी जो प्राइस जो अभी इस इश्यू की वजह से या टसल की वजह से अपना सस्ता मिल रहा है, सो दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द स्टॉक। सो एट टाइम्स आई थिंक दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, इसको आप एक कॉन्ट्रारियन व्यू लेके इसको अपॉर्चुनिटी समझ। जी, हालांकि गोदरेज इंडस्ट्रीज बीच में ऊपर से काफ़ी नीचे आया था अचानक, लगभग 725 के ऊपर से 600 तक आ गया था, लेकिन फिर वापस संभलता हुआ नजर आ रहा है। पर चला भी बहुत चलिए बढ़िया था, 400 से चला था, जी, हम लोग 400 सवा 400 पे बिल्कुल रेकमेंड। बिल्कुल, तो अच्छी चाल के बाद एक करेक्शन इस खबर के ही बाद आई पर थी, ठीक और है, उस ऐसा खबर के कुछ बाद स्टॉक आई थिंक जिनके पास है उनको जी होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल।